हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के 3 बजे का सीन आप देख सकते हैं। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो जी, मुझे आपको दिखाना था। एक्चुअली मैं भी वॉशरूम के लिए उठी थी, तो मैंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने देखा बाहर तो बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा एक्चुअली मैं सीन को कैप्चर किया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और सेफ, सुरक्षित होंगे। आज है रविवार, तो आज सूर्यदेव का दिन है। मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अब मैं थोड़ा सा जुराब पहन रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आपको बताना था कि सानवी की तबीयत अब ख़राब हो गई, पहले प्रिशा की भी, अब सानवी की हो गई। सानवी को भी रात को वॉमिट बहुत ज़्यादा हुई, सुनती है नहीं प्रिशा। तो प्रिशा जो है सब चीज़ें सुन लेती है, बातें सुन लेती है। मैंने उसे नारियल पानी दिया, नींबू पानी बना के दिया, उसने नहीं पिया, सिर्फ प्लेन पानी पिया। क्योंकि उसे ऐसा कोई बुखार वगैरह तो नहीं है, सिर्फ उल्टी हुई थी। अब मुझे नहीं पता क्यों हुई, ठंड की वजह से भी। एक तो सॉक्स पहनते नहीं बच्चे। ये वाली की दाल बनाऊंगी हल्की सी, उसी उसी के लिए, क्योंकि रात को मैंने गहत भी भिगाई थी। और मैं सोच रही हूँ कि आज जो है इस गहत के पराठे बनाए जाएं। गहत को ना कुलत भी बोलते हैं कई जगह, प्लेन्स में कुलत बोलते हैं और हमारे यहाँ पे गौत बोलते हैं, कई जगह गहत बोलते हैं। अगर ऑनलाइन ये दाल मिलती है तो शायद से कुलत बोलते हैं। अगर किसी को स्टोन हो गया ना, तो ये वाली दाल खाने से पथरी निकल जाती है, कट जाती है, मतलब कहते हैं पत्थर कटता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीपक का संडे बना रहे फुली, अभी अभी उठ रहे हैं। जैसे ही मैंने सोचा इसको हल्का सा उबाल दूँ, आज मैं तुम्हारे लिए पता है क्या बना रही हूँ? गेहूं के पराठे। तुम्हें कैसे पता चला? सेंस कर लिया मैंने। कोई खुशी नहीं हो रही है, जितना तुम कल परसों तक कितना बोल रहे थे गेहूं के पराठे नहीं खाए, गेहूं के पराठे नहीं खाए। अब गैस के पराठे खाने को मिल रहे हैं, तो अब तुम यहाँ गैस लगा दो, क्योंकि गैस का सिलेंडर खत्म हो चुका है। मतलब सिलेंडर खत्म नहीं हुआ, गैस खत्म हो गई है। तो ये है, अब काम होगा इसमें। नीचे का इसको बंद कर दो पहले। हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं छेड़ा नीचे, अब खुल रहा हो ये, मैं नीचे का काम नहीं करती। अब मुझे गैस बुक करानी है, गैस चेंज होती है तब तक मैं आपको सानवी से मिलाती हूँ। सानवी उठ चुकी है। शानू, शानू को देखो। शानू से हाय। हाय। अरे ऋषा भी उठ गई है। सानवी, सानवी, सानवी की तो आपको पता ही है ना, उसने तो करनी करनी बदमाशी। सानवी हाय करो। हाय। मैंने इसकी ऐसे चोटी बनाई थी ना कि आगे से उसके बाल ना निकले, पीछे के साथ ही रहे। उसने वो बाल ऐसे, उसके बाल ऐसे नागरज की तरह उठे हुए। चलो हेलो करो सानू, कम कम आउट। हेलो, नमस्ते। कैसे हो? अरे मेरा बच्चा कितना कमजोर लग रहा है। चलो ऊपर चलो। अरे फिर से सॉक्स निकाल दिए। मतलब समझा सकते हैं यार बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चे में छोटी वाली जो है उसको कोई नहीं समझा सकता। बाहर का मौसम देख लो, बारिश ही बारिश, झमाझम बारिश हो रही है इस समय। संडे तो ऐसी हो गया, संडे ऐसी निकल जाएगा क्या बारिश ही बारिश में? मैडम जी उठ जाओ, टूथब्रश कर लो। कोई चीज बताना तो भूल गई, आज ना एक सरप्राइज आ रहा है। सरप्राइज आ रहा है कि थोड़ी देर में, मैंने चेक कर लिया, अभी आने वाला है थोड़ी देर में। पता है क्या आएगा? सरप्राइज। मैं नहीं बताऊंगी अभी, आप देखना आपको अच्छा लगेगा। वैसे है तो सानवी के लिए, लेकिन आप भी इसमें वर्क कर सकते हो, दोनों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। और सच बताऊं तो मैंने पापा को भी नहीं बताया कि क्या मंगाया है। पापा के लिए भी सरप्राइज है, आजकल मैं सरप्राइज दे रही हूँ इन लोगों को। एक बार नापा लीजिए। तो मालूम है कि मेरे पास तराजू है, तो नापा नहीं, बता आप कुछ नापो। तराजू में, तराजू में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, अग्नि देवता की जय हो। थोड़ा इसे उबाल देती हूँ। आटा मैंने लगा लिया है यहाँ पे, बस अब पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं गेहत के पराठे। तो गेहत के पराठे बनाने के लिए हमें दाल जो है कल रात भिगा दी थी, अब हम इसे सुबह उठ के बॉयल दे रहे हैं। तो मतलब आपको कम से कम दाल जो है 4-5 घंटे पहले भिगा देनी है, फिर उसको आपको हल्का सा यह बॉयल कर लेना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे पीसेंगे और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इस वीडियो में, आप सबको जानेंगे। शान भी आ गई मेरे पास किचन में। थोड़ी सी बनाऊंगी सानवी के लिए खिचड़ी, और यहाँ पे गाजर भी डाल दूंगी इसमें, और ये शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर ट्रस करके डाल दूंगी। तो उसको कुछ हल्दी खिला दूंगी। देखो दलिया डाल दूँ क्या?
दलिया तो बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा होगा तो। अरे टैबलेट मंगा दिया मैंने, वेडिंग टैबलेट। पीछे दिखाओ पीछे, शीट्स भी हैं इसमें, बहुत सारे शीट्स हैं। सीकर सीधा, हाँ ये सीधा। और तो उसमें तो बैटरी लगी हुई है नीचे ना, ऑन ऑफ है पीछे, पीछे बटन को करो ऑन ऑफ, लॉक ऑन लॉक। सो आज हम सुबह से इसी में लगे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें ना, ये बोर्ड में ड्राइंग करने में। तो मैंने ही बनाया फ्लावर और प्रिशा ने दिए मुझे ये नंबर। मम्मी रुको मैं आपको नंबर देती, मैंने कहा प्रिशा जीरो मत देना उसमें ना, वन लगा देना आगे से। तो बोलती नहीं रुको रुको मैं आपको नंबर देती हूँ, ये देखो नंबर दिया 1000, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। 1,129,129 out of 29। हाँ मेरी मेरी आर्ट कितनी अच्छी है, मुझे पता नहीं था मैं इतना अच्छा लिखती हूँ, इतना अच्छा फ्लावर बनाती हूँ। अब आप मेरी आर्ट तो देखो। चलो फिर अभी आपकी आर्ट देखते हैं। और ये देखो, मेरी मेहनत पानी में चली गई। बेटर शॉट, ऐसे नहीं लग रहा प्रशा की कहाँ से सेव हो जाता है इसमें ना ये। हाँ। फ्लावर जो बनाया मम्मी ने। शाम का टाइम हो रहा है, अभी चाय नहीं बनाई है, थोड़ा सा काम करके अपना। और प्रशा भी आ गई हमारे ऑनलाइन क्लास में। कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं ना, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो जितने भी बच्चे होते हैं उनके सारे मम्मी और उनके सारे पापा मम्मी हो गए, उससे पहले पहले उनकी उनके शायद दीदी दादी दादू या फिर कुछ भी कोई भी बुला देते हैं उनको संभालने के लिए। कान देख रहे हो यही लगे हुए हैं, मैं सोच रही स्केट स्पोर्ट में कुछ कर रही है अपना काम, वो मेरी बातें सुन रही है, गंदा बच्चा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम में, चाय चुल हो गई है और अब मैं आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन और मटर, यानी कि बैंगन का भरता उसमें मटर पड़ेंगे। तो दीपक अभी काम कर रहे हैं अंदर, सानवी ये देखो स्क्रीन बोर्ड है ना ये सब मैजिक वाला, उसी में लगी पड़ी है। बैंगन भूनने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये बैंगन भूनने वाला यंत्र, लगा दिया है ये बैंगन का भरता। बैगन भून दिया, तो मैं इसकी स्पीड बताती हूँ और चेक भी कर लेती हूँ पहले, कीड़े वीड़े तो नहीं है इसको ना। साइन सुन बेबी, तो ये यहाँ पे बैंगन भुना हुआ बैंगन, मटर मैंने यहाँ पे रेडी किया है, प्याज काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, हरा धनिया और साथ में लहसुन भी भुना था तो वो भी भून के यहाँ पे रखा है काट के, और ये भी हल्के फुल्के भुने हुए हैं। सो गाइज, जैसे आपने पूरी रेसिपी भी देख ली है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है बैंगन और मटर का कॉम्बिनेशन वाला भरता, और ये रही रोटियाँ। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब मॉम इन इंडिया एमओएस, और इसे डिलीट मत करना, इसमें डिलीट का फंक्शन नहीं चलना चाहिए। ये तो हम कुछ और कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने प्रिशा सानवी के लिए मंगाया है, खासतौर पे सानवी के लिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो कुछ इंटरेस्ट लेके सीखे और कुछ लिखने की कोशिश करे। ए बी सी डी ई एफ जी, और प्रिशा आपको सिखाना है सानवी को, ठीक है बेटा।